तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दोस्तों हमको अपनी एडसेंस की सीपीसी दोस्तों कैसे बढ़ानी है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या वेबसाइट या ब्लॉग दोस्तों कहीं भी आपने गूगल की ऐड यूज़ की हुई है या दोस्तों आपने कोई एंड्रॉइड ऐप बनाई हुई है तो वहाँ से आपने एडमोब यूज़ किया है। दोस्तों अगर आपको इंडिया के रहने वाले हम लोग जैसे इंडिया कंट्री के दोस्तों हम लोग को सीपीसी बहुत ही दोस्तों कम मिलती है इंडिया की, तो दोस्तों आपको वो सीपीसी को दोस्तों बढ़ाना कैसे है और दोस्तों आपकी अर्निंग अच्छी हो जैसे कि, तो दोस्तों मैं आपको पहले तो अपना एडसेंस दिखा देता हूँ दोस्तों, उसके बाद ही आपको मैं बताऊँगा कि दोस्तों ये इतनी सीपीसी आपको कैसे लानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो आज की एस्टिमेटेड अर्निंग है वो है 0.62। दोस्तों आज कोई भी क्लिक्स नहीं हुए हैं और दोस्तों यस्टरडे की आप देख सकते हैं $16.91 दोस्तों यस्टरडे डे की है और दोस्तों दिस मंथ $186। मतलब दोस्तों ये भी मेरी 2 तारीख से जो कि स्टार्ट हुई है वो वाली अर्निंग है, अभी मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जो अर्निंग आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों मैं अब आपको आगे दिखा देता हूँ पेज व्यू इंप्रेशन। दोस्तों एक इंप्रेशन आप देख लो 232 और दोस्तों क्लिक से मात्र 6 है ना दोस्तों, पेज CTR इंप्रेशन दोस्तों ये सब। और दोस्तों CPC आप आज की देख सकते हैं 0.10 है और दोस्तों यस्टरडे की 0.25 है। दोस्तों कल की CPC जो मेरी थी 0.25 और दोस्तों अगर हम चाहें तो दोस्तों मैं आज की CPC को भी बढ़ा सकता हूँ $0.25 तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों मैं आपको सब बता रहा हूँ प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप कैसे ये प्रोसेस है, आपको कैसे CPC को बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों CPC को बढ़ाने के साथ साथ आपको इस चीज़ पर ध्यान देना रहता है इंप्रेशन CTR, जो कि दोस्तों इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है दोस्तों जहाँ पर हम लोग को CPC को बढ़ाना रहता है दोस्तों वहीं पर हमको इंप्रेशन CTR को कम करना रहता है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको अपना इंप्रेशन CTR कैसे मेंटेन करना है, कैसे कम रखना है। ठीक है दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ आपको ये करना कैसे है। दोस्तों इसकी दो प्रोसेस होती हैं, आपने एक और भी वीडियोस देखी होंगी अगर तो सुना होगा कि जो भी ऐड समय कम CPC देती हैं उनको ब्लॉक कर दो और फिर जिनकी ज़्यादा CPC है वो ऐड हमारे मतलब गूगल पे यानी कि सॉरी यूट्यूब पे और एडमोब पे आएंगी, हमारे ऐप्स पे आएंगी, तो हमारी CPC ऑटोमेटिक हमें ज़्यादा मिलेगी, अर्निंग ज़्यादा होगी। और दोस्तों दूसरा जो मेथड होता है वो ये होता है दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको VPN। ठीक है दोस्तों VPN आपने बहुत सारे देखे होंगे, टर्बो VPN दोस्तों जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों लेकिन इसको यूज़ करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है, आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं करनी है। मतलब अगर आप सिर्फ अर्निंग के पीछे भागेंगे तो दोस्तों आप मेरी देख सकते हैं आज 0.62 है। ठीक है दोस्तों मैंने क्योंकि मैं खुद से क्लिक नहीं करता और दोस्तों अगर कल की जो मेरी इतनी अर्निंग गई थी या जो मंथ की जो दोस्तों इतनी 186 गई है, आप सोच रहे होंगे कैसे गई है, तो दोस्तों ये मेरी YouTube और दोस्तों ये एडमोब दोनों की मिला के है। और दोस्तों इसमें मेरी जो ऐप है दोस्तों वो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब मेरे जितने ही फ्रेंड्स हैं मतलब 20-30 लोग तो उसको यूज़ कर रहे हैं तभी दोस्तों ये अर्निंग है ना दोस्तों। मैं खुद से क्लिक नहीं करता, हो सकता है आज उन्होंने भी मेरी ऐप को ओपन नहीं किया है। ठीक है दोस्तों आपको कैसे CPC को बढ़ाना है और दोस्तों CPC मैंने सॉरी आपको दिखा दी थी दोस्तों, आपको CPC मैंने दिखा दी थी कि 0.25 की मिल रही है। और दोस्तों अगर आप VPN का यूज़ नहीं करते दोस्तों आपको जनरली CPC क्या मिलेगी इंडिया की $0.01 या तो दोस्तों $0.02, इन्हीं में दोस्तों आपको घुमाया जाएगा और दोस्तों आपकी अर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों आपको कैसे यूज़ करना है VPN मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से दोस्तों इसको समझ लीजिएगा तभी दोस्तों ये हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, अदरवाइज आपको गूगल डिटेक्ट कर लेगा कि आप VPN यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों VPN यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन आप बार बार जो क्लिक करेंगे VPN यूज़ करके अलग अलग कंट्री से तो दोस्तों वहाँ पर आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो देखो दोस्तों कैसे अपने एडसेंस अकाउंट को भी सेफ रखना है और दोस्तों CPC भी अच्छी लेनी है। ठीक है दोस्तों आपने टर्बो VPN पर क्लिक किया और दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो जाइए, दोस्तों देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और सिंगापुर, दोस्तों सबसे ज़्यादा CPC मिलती है हमको कनाडा से, तो दोस्तों कनाडा से आप कनेक्ट हो जाइए दोस्तों, सिंपली यहाँ पर ये क्लिक करना है और दोस्तों ये देखना कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये जो टर्बो VPN की ऐप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आप VPN यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों अपनी मोबाइल फ़ोन से तो आप अपने ऐड पर क्लिक कीजिए ही नहीं, ऐप अगर आपने बनाई हुई है एडमोब से तो दोस्तों अपने ऐड पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी फ़ोन में आपकी जीमेल लॉगिन है ना दोस्तों, तो और IP एड्रेस दोस्तों, खैर IP एड्रेस चेंज हो जाती है दोस्तों जब हम VPN को किसी और कंट्री से कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें अपनी फ़ोन से है ना उस ऐप पर क्लिक उस एड्स पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों, दूसरों की फ़ोन से वो लोग कर सकते हैं उस एड्स पर क्लिक दोस्तों, वो भी लिमिटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा क्लिक्स नहीं करने दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और दोस्तों दूसरा क्या है, जब जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं आपने अपनी ऐप बनाई हुई है तो दोस्तों उसको आपको क्लियर कर लेना है, क्लियर डेटा कर लेना है उस ऐप का। और दोस्तों जहाँ पर ऐप आपकी ऐड ओपन होती है जैसे कि आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र रहता है गूगल क्रोम या UC ब्राउज़र दोस्तों, उस ऐप की भी दोनों ऐप की दोस्तों आपको क्या कर लेनी है, क्लियर कैचे क्लियर डाटा जो कि दोस्तों यहाँ से होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये भी यहाँ से आपको चले जाना है ऐप्स में।
ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अपनी ऐप बनाई हुई है योर ट्रेंड नाम से, योर ट्रेंड ये, ठीक है दोस्तों योर ट्रेंड। तो दोस्तों इसको आपको हमेशा यूज़ करने के बाद क्लियर कर लेना है दोस्तों, इसको आप मत भूलिएगा क्लियर करना। यहाँ आप चले जाना स्टोरेज में और दोस्तों ये क्लियर डेटा क्लियर कैचे आप दोनों कर लेना इसको, हरदम दोस्तों डेटा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है यानी कि होगा ही दोस्तों ये कि आप ट्रेस होने से बचेंगे गूगल से। और दोस्तों VPN का यूज़ दोस्तों सही तरीके से करिए, बिल्कुल इलीगल तरीके से मत करिएगा दोस्तों, कि बहुत सारे क्लिक करने हमें बहुत सारी अर्निंग करनी है। तो दोस्तों वो अगर आप कर भी लेते हैं आपकी अर्निंग अच्छे से बढ़ भी जाती है, डेली के $30 $25 और दोस्तों $40-$50 जाते हैं, तो दोस्तों वो लास्ट में आपके जो कि दोस्तों 1 तारीख को जो काउंटिंग होती है दोस्तों, वो इनवैलिड क्लिक्स में आपके पूरे डॉलर कट जाएंगे दोस्तों, उसमें से आपको सिर्फ कुछ ही मिल पाएगा, है ना दोस्तों। या तो आधे से भी मैं कम कहूँ, यानी कि आपने जितनी अर्निंग की होगी उसका 20% 25% ही आपको मिल पाएगा, बाकी पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों ये सही नहीं है, है ना दोस्तों, हमको गूगल की पॉलिसीज़ को भी देखना है। और दोस्तों अगर VPN यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा सही मेथड से करना है, हमको अपने इंप्रेशन भी बढ़ाने हैं। हाँ दोस्तों ये नहीं, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप VPN का यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने सारे जितने भी आपने आपके जो ऐप्स पर क्लिक हो रहे हैं किसी और डिवाइस से भी हो रहे हैं, आपकी फ्रेंड से भी हो रहे हैं, तो दोस्तों सारे किस अलग अलग कंट्री से हो रहे हैं, इंडिया के दोस्तों उस पर इंप्रेशन आ ही नहीं रहे दोस्तों, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको दोस्तों एक दो बार कनेक्ट कर लिया आपने कैनेडा से यहाँ से वहाँ से और दोस्तों अपने ऐप में क्लिक कर लिया, आपकी CPC अच्छी मिलेगी आपको और दोस्तों इंप्रेशन आपको ज़्यादा रखना है। दोस्तों इंप्रेशन का मतलब भी आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो दोस्तों इंप्रेशन का मतलब ये होता है जो कि दोस्तों ऐड आई और दोस्तों हमने बैक कर दिया, ऐड आई और हमने बैक कर दिया, तो दोस्तों उससे क्या होगा हमारे इंप्रेशन बढ़ेंगे, है ना दोस्तों। उस ऐड पर क्लिक नहीं करना मतलब कि इंप्रेशन बढ़ता है, क्लिक किया तो दोस्तों वो क्लिक में काउंट हो जाता है, आपको पता ही है। तो दोस्तों ठीक है, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों CPC कैसे बढ़ानी है और अपने अकाउंट को भी सेफ कैसे रखना है। तो दोस्तों अगर और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुँच सके। ओके, थैंक यू।